हेलो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, धोनी के साथ सुरेश रैना ने भी कहा क्रिकेट को अलविदा। कहलाते थे दोनों टीम इंडिया के जय और वीरू। जी हां भाइयों, भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ ऑलराउंडर और बेहतरीन खब्बू बल्लेबाज सुरेश रैना ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। IPL के 13वें सीजन से ठीक पहले दोनों खिलाड़ियों को यूं अचानक इस खेल को अलविदा कहे जाना काफी कुछ कहता है। वही जहां विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल मुकाबले के बाद से ही मैदान पर नजर नहीं आए थे, तो रैना भी लंबे वक्त से टीम इंडिया में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो भाई, अब दोनों इन दिग्गज खिलाड़ियों ने संन्यास के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। धोनी के रिटायरमेंट के बाद रैना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कहा था कि वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के फैन के बीच चिन्ना थाला के नाम से मशहूर रैना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर भी शेयर की है। इस फोटो का कैप्शन दिया, माही आपके साथ खेलना अच्छा था, पूरे दिल से गर्व के साथ मैं आपकी इस यात्रा में शामिल होना चाहता हूं। साथ ही थैंक यू इंडिया, जय हिंद कहकर उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। साथ ही भाइयों, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दम दिखाते नजर आएंगे। टीम 21 अगस्त को UAE के लिए रवाना होगी। अपने करियर में 18 टेस्ट, 226 एकदिवसीय मैच और 78 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले रैना का करियर शानदार रहा। साथ ही टेस्ट में जहां उन्होंने एक शतक के साथ 768 रन भी बनाए हैं, तो वहीं वनडे में 5 शतक के साथ 5615 रन जोड़े हैं। साथ ही गाजियाबाद से आने वाले इस खिलाड़ी के नाम एक शतक के साथ 1605 रन भी हैं। तो भाई, आज दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो भाइयों, आपकी क्या राय है इस पोस्ट को लेकर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो भाइयों, वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।